अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले शामिल कर लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज जिनका तस्करा आज प्रोग्राम में होने जा रहा है। बिफरा समंदर, बुलंद लहरें, गर्द आलू हवाएं, तूफान करीब आ चुका है। तूफान के मरकज में 170 किलोमीटर रफ्तार की हवाएं हैं, लहरें 12 फीट तक बुलंद होने की पेशगोई कर दी गई है। सिविल इंतजामिया और फौज पूरी तरह हरकत में आ गए हैं। कोर कमांडर कराची के रात गए बदीन में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि साहिली इलाकों के लोग बिला ताखीर हिफाजती मुकामात पर मुंतकिल हो जाएं। जबकि वजीर अलासिम की जेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। समुद्री तूफान से बचने के लिए हिफाजती हिकमत अमली तय कर ली गई है, जबकि अवाम को मुश्किल वक्त में किसी सूरत तनहा ना छोड़ने के अजम का इजहार कर दिया गया है। के इलेक्ट्रिक सिस्टम पर भी नजर रखे हुए हैं, मुराद अली शाह साहब ने ये कहा। जबकि शजीर इनाम मेमन ने कहा कि मुख्तलिफ अजला में रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। जबकि वजीर इतला सिंह ने मजीद ये कहा कि ठट्टा, बदीन और सजावल से लोगों की नकल मकानी जारी है और साथ साथ बिपर जॉय कराची के जनूब की जानिब गामजन है। शहर में मतला अबर आलूद हो चुका है और तेज हवाओं का राज भी इस वक्त बरकरार है। जबकि ईंधन और बिजली की तरसील मुतासिर होने से लोड शेडिंग में इजाफे का खदशा भी बताया जा रहा है। समुद्री तूफान के मुमकिन खतरात, कराची में इंटरबोर्ड के पर्चे भी मुलतवी हो चुके हैं। कमिश्नर कराची का तमाम इम्तिहानात मनसूख करने का ऐलान भी सामने आया, जबकि पुलिस अफसरान की छुट्टियां मनसूख, साहिल पर रेस्टोरेंट्स भी बंद कर दिए गए हैं। अवाम को तूफान का रुख तब्दील होने का यकीन है। अभी तक तूफान पाकिस्तान के साहिल से जरूर टकराएगा, शरीर रहमान ने यह बता दिया है। जबकि वफाकी वजीर ने कहा कि सिंध में खतरात ज्यादा हैं, कराची में हंगामी हालात शुरू हो चुके हैं। जबकि विपर जॉय के टी बंदर से टकराने पर क्या होगा, आज प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। जबकि विपर जॉय समुद्री तूफान से कराची से कितना दूर है और कितना खतरा लाहक है, ये भी बताएंगे। साहिली इलाकों में समंदर के पानी की सतह में भी इजाफा हो चुका है, जबकि कराची में कितनी मिलीमीटर बारिश हो सकती है, आज के प्रोग्राम में आपको बताने जा रहे हैं। और वजीर आजम का वजीर आला से राबता भी हुआ है। समुद्री तूफान के खतरा से निमटने के लिए मुकम्मल तआवुन की यकीन दहानी करा दी गई है। कराची पर समुद्री तूफान के असरात आना शुरू हो चुके हैं और आज गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई थी। जबकि गवर्नर सिंह का साहिली पट्टी के रिहायशियों को एक माह का राशन देने का भी ऐलान सामने आया है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आज आपको बताएंगे कि मुर्तजा वहाब को सियासी तूफान खत्म होने की उम्मीद नजर आ रही है, जबकि मेयर उम्मीदवार का जमात इस्लामी पर यू टर्न का इल्जाम, और हाफिज नईम और रहमान का पीपल्स पार्टी पर 15 जून को होने वाले मेयर इलेक्शन के हवाले से संगीन इल्जाम आए। पीपल्स पार्टी के हवाले से कहा हाफिज नईम ने कि पीपल्स पार्टी ने लोगों को अपने सेफ हाउस में रखा है। खबरों का खुलासा आपके सामने रखेंगे और सबसे पहले बात कर लेते हैं बिपर जॉय के हवाले से कि ये इस वक्त कितना दूर है, और ख़ास तौर पर ये कहा जा रहा था कि कराची के साहिल से भी टकराएगा और कराची को भी खतरात लाहक हैं। लेकिन अब ये वफाकी जो वजीर हैं शरीर रहमान साहब, उनकी जानिब से ये बताया गया कि कराची को खतरात लाहक नहीं है इस हद तक, लेकिन बारिशें एक्सपेक्टेड हैं। जबकि सिंध के जो एरियाज़ हैं साहिली, उन पर ये टकरा सकता है। और फिर ये भी बताया जा रहा है कि भारत की तरफ ये जो है वो रवाना हो चुका है ये बिपर जॉय। सबसे पहले हमारे रिपोर्टर तारिक काजमी हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है। तारिक, ये बताइएगा कि क्या इंतजाम किए गए हैं। कल वजीर अला सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मीडिया से भी मदद मांगी थी कि खबरें जो है वो इस नौयत की होनी चाहिए, फैलाई जाए अवेयरनेस, और आज भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है, साहिली पट्टी का भी दौरा किया है, इंतजाम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ये कहना बदू वही कहना चाहिए। देखिए बिलाल, मैं आपको सबसे पहले तफसीलात से आगाह करता चलूँ कि जो है वो जब से ये तूफान का एक मैटर उठा है, उसके बाद जो है वो चाहे जिला इंतजामिया हो, चाहे शहरी इंतजामिया हो, चाहे सन हुकूमत खुद हो, काफी मुतारक किरदार अदा कर रही है। गुज़िश्ता रोज भी हमने देखा कि वज़ीर आला सिंध की जानिब से एक इजलास तलब किया गया, जिसके अंदर जो है वो तमाम इकदाम का गौर जो है वो जायजा लिया गया, हिदायत जारी की गई, जिसके अंदर PDM है, NDM है, KDA, SBCA, कमिश्नर कराची, तमाम डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, उन सब ने जो है वो शिरकत की। उसके बाद फैसला किया गया कि जितनी भी जो है जगह है जिसको ज्यादातर खदशात हैं, उससे 3 रोज कबल जो है वो कराची शहर के अंदर जो है वो साहिली पट्टी के ऊपर जो है वो दफा 144 नाफिज कर दी गई थी। ऐलान किया गया था कि किसी भी किस्म की जो है वो तफरी जो है वो नहीं की जाएगी, और तफरी मुकामात पे जो है वो खास तौर पे जो साहिल के करीब है वहाँ पे जो है वो दफा 144 नाफिज कर दी गई। पुलिस की भारी नफरी, रेंजर्स की नफरी वहाँ पे जो है वो तैनात कर दी गई, तो किसी भी इलाके किसी भी शहरी को जो है वो समंदर के करीब जाने की जो है वो इजाजत नहीं दी जा रही है। अगर अब बात की जाए तो कितना दूर रह गया, तो 340 किलो अभी तक जो बताया जा रहा है वो 380 किलोमीटर बताया जा रहा है कि दूर रह गया है। मेट्रोलॉजिस्ट का ये भी कहना है कि जो है वो बरसात जो है वो 60 से 65 मिलीमीटर के दरमियान जो है वो बरसात हो सकती है, और इस चीज का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि क्लाउड ब्रस्ट के भी जो है वो खदशात मौजूद है।
गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि शदीद गर्मी के बाद जो है पेशेंट गुजू की गई थी महकमा मौसमियात की जानब से, वो सच साबित हुई। आज भी जो है पेशेंट गुजू ये थी हल्की बूंदाबांदी के साथ जो है वो तेज हवाओं का मगरबी जो है तेज हवाएं जो उनका सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। आज वजीर आला ने खुद बजाते जो है वो चीफ सेक्रेटरी सिंध और मिस्टर कराची के हमरा जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जिसके अंदर शारा फैसल शामिल है, एफसीसी शामिल है, नर्सरी शामिल है, कोरंगी शामिल है, सीबी के मुख्तलिफ मुकाम शामिल हैं। वहाँ का दौरा किया और सूरत हाल का जो जायजा लिया गया। वहाँ पे जो अहकाम जारी किए गए, जो मकदूश इमारतें हैं जो 460 जो मकदूश इमारतें करार दी गई थी उनके इनखला की बात की गई कि वहाँ पे जो लोग रायज पजीर हैं उनको इनखला करने के क्या सूरत हाल और क्या बंदोबस्त किया गया, जिसके ऊपर जो है कमिश्नर कराची की जानब से जो है और डी जी एस बी सी की जानब से ब्रीफिंग दी गई कि इनखला का अमल जारी है, बहुत जल्द जो है वो कम्प्लीट कर लिया जाएगा। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात आई कि जो बिल बोर्ड लगाए गए, क्योंकि खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि बरसात तो कम हवाओं का सिलसिला जो है वो तेज रहेगा, जिसकी वजह से जो है जो बिल बोर्ड जो हैवी व्हीकल बिल बोर्ड है उसको वो जो है टूट के जो कमजोर स्ट्रक्चर के बोर्ड्स हैं वो टूट के जो है जब जमीन पे गिरेंगे तो उससे इंसानी जानों का जो है वो ज्यादा होने के इम्कान थे। तो फौरी तौर पे जो है एहकाम जारी किए गए तमाम कमिश्नर कराची की जानब से कि तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को और एडमिनिस्ट्रेशन को कि फौरी तौर पे जो है जितने भी बिल बोर्ड्स हैं, जितनी भी जगहें जो कमजोर स्ट्रक्चर हैं, चाहे वो होर्डिंग्स हों, तमाम चीजें जो है वो फौरी तौर पर जो है वो रिमूव की जाए। उसके बाद जो है देखा हमने कि जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने तमाम एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज को जो है वो खत जारी किए और फौरी तौर पे जो है वो डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जो है उस जिलों के उनके हमरा जो है जिन्होंने अमल दरामद नहीं किया था उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाती हुई भी नजर आई हम। आज जो इंतजाम का जायजा लिया गया, कमिश्नर कराची ने जो है वो कंट्रोल रूम सेंटर का जो है वो दौरा किया, जो गुज़श्ता 3 रोज कबल जो है वो एस्टैब्लिश किया गया था। वहाँ पे जो है जितनी भी चीज़ें तमाम चीज़ें मॉनिटर की जा रही हैं, महकमा मौसमियात के जो अफसरान हैं, जो लोग वहाँ पे जो इस चीज़ को जो है वो देख रहे हैं उन चीज़ों को, वो लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। तमाम स्क्रीन के जरिए जो है कमिश्नर कराची को जो है ब्रीफिंग दी गई। कमिश्नर कराची की जानब से एक और नोटिफिकेशन का इजरा किया गया, क्योंकि जो है वो अभी जो है वो इंटर बोर्ड के जो है इम्तहान जारी हैं, जो तीन जो जुम्मेरात और जुम्मे तक जितने भी इम्तहान हैं उनको मनसूख कर दिए गए, जितने भी समर कैंप्स थे उनको मनसूख कर दिए गए, छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। बाकायदा तौर पर कार्रवाई का जो है इंदिया दिए गए कि अगर खोले गए तो कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। आज हमने देखा कि वजीर लास्ट सिंह है शर्जील इनाम मेमन, उनकी जानब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उन्होंने कहा कि जो है वो 100 मिलीमीटर बारिश होती है तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, खदशा ये जाहिर किया जाएगा अगर क्लाउड ब्रस्ट होता है तो उसके लिए हिकमत अमली हमारे पास रेडी है, पहले से बी प्लान के ऊपर हम काम करेंगे, तमाम डी वाटरिंग पंप्स हों अंडर बायपासिस के अंदर, चाहे ब्रिजेस के ऊपर चाहे रोड के ऊपर जो है वो नफ्स कर दिए गए हैं तो आवाम को किसी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जितने भी म्यूनसिपल कमिश्नर्स हैं, जितने भी बी एंड आर के अफसरान हैं जिनके अंडर में तमाम चीज़ें नालों की सफाई और तमाम चीज़ें आती हैं, उनको फौरी तौर पे जो है वो स्टैंड बाय रहने की हिदायत कर दी गई है वजीर आला सिंह की तरफ से भी ये और वजीर बल्दियात सिंह की जानब से भी जो है वो तमाम अफसरान की जो है वो छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई थी। आज एक और ऐलान हुआ कि आई जी सिंह जो है गुलाम नबी मेमन, उनकी जानब से जो है वो तमाम पुलिस अफसरान की जो है छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं और अहकाम जारी किए गए हैं कि फौरी तौर पे जो जितनी भी जिस जगह पे भी मदद की जरूरत है फौरी तौर पे जो है स्टैंड बाय रहा जाए ताकि जो है वो आवाम को किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वजीर मौसमियात की जानब से जो है शीरी रहमान, उनकी जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि जो है वो कराची को कम जो है वो नुकसान का खदशा है साइक्लोन की वजह से, जबकि अंदरून सिंह जिसके अंदर ठट्टा बदीन सजावल ये तमाम शहर आते हैं उनको ज्यादा खतरात लागेंगे। जो लहरें समंदर की लहरें वो अपनी शिद्दत से ज्यादा जो है 15 से 20 फुट की शिद्दत से जो है वो डायरेक्ट जो है वो हिट होंगी जमीन तमाम जमीनी उसके ऊपर, जिससे फसलों का तबाह होने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। इनखला का अमल शुरू कर दिया गया है कि माड़ी हो चाहे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट हो, इनखला का अमल शुरू कर दिया गया है। वजीर आला सिंह ने जो है आज बदीन का भी दौरा किया, वहां पर अहकाम जारी किए कि जितने भी लोग हैं इनके इनकला का अमल जो है वो शुरू किया जाए। जब उसके बाद जब ठट्टा पहुंचे वहाँ पे ठट्टा में डिप्टी कमिश्नर के जो है वो फौरी तौर पे जो है वो रिस्पॉन्स सेंटर कायम करने के अहकाम जारी किए, जिसके बाद हमने देखा कि फौरी तौर पे जो है रिस्पॉन्स सेंटर कायम हुआ और लोगों के इनकला का अमल और राशन की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अभी से शुरू कर दी गई थी। ठीक है तारिक, ये भी बताइएगा कि खास तौर पर अगर कराची की बात की जाए, जिला इंतजामिया की बात की जाए, आपने कहा कि मुतहरिक नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो नालों की सफाई एक बड़ा मसला हमेशा बना रहता है, हमने देखा कि माजी के अंदर भी जो है वो एनडीएमए ने आके नाले साफ किए थे, इस वक्त नालों की सूरत हाल क्या है?
जी देखिए बिलाल, बहुत अच्छा सवाल आपका कि मैं आपको बताऊं कि नालों की सूरताल गुजर नाला हो, चाहे मलीर नाला हो, चाहे मलीर नाले के अलावा जो है वो करंगी नाला हो, उनकी सफाई का अमल जो है वो पहले ही मुकम्मल कर लिया गया था। वो पीडीएम एनडीएम को उसके चार्ज दिए गए थे इन तमाम नालों की सफाई का, जबकि जो तजावजात के खात्मे के लिए जो है वो लैंड डिपार्टमेंट को उसका चार्ज दिया गया था कि फौरी तौर पर जो है रिमूवल की जाए तमाम जितनी भी तजावजात है ताकि नाले की स्टैंड जो है बड़ी की जा सके। गुज़िश्ता तीन रोज के अंदर जो है उस ऑपरेशन के अंदर जो तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन था उसके अंदर काफी तेजी देखने में आई हमें। उसके बाद जो है नालों की सफाई अगर कहा जाए, अगर एवरेज अमाउंट लगाई जाए तो 100% के अंदर से जो है वो 80% जो है वो नालों की सफाई मुकम्मल अब तक जो है वो कर ली गई है, जबकि जो है वो नालों की सफाई जब बरसात होगी तो उस वक्त भी जो है वो हैवी व्हीकल जो मशीनरीज हैं जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास है वो तमाम वहाँ पे मौजूद होंगी ताकि जो किसी किस्म की चौकिंग का जो है वो चौकिंग का इम्कान वहाँ पे ना रह सके। गुज़िश्ता रोज चीफ सेक्रेटरी की ज़ाहिर सदारत जो है वो इजलास हुआ था जिसके अंदर जो है वो चौकिंग पॉइंट्स के ऊपर ज्यादा जो है वो फोकस किया गया था कि जितने भी चौकिंग पॉइंट्स हैं उनको क्लियर किया जाए। रूट मैप जितना भी मैप था इन लोगों के पास पहले ही मौजूद था कि जो गुज़िश्ता बार जो बरसात हुई थी जिसके अंदर कौन कौन से चौकिंग पॉइंट्स जो है वो डैमेज हुए थे, कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं जो चौक्स हुए थे जिसकी वजह से जो बरसात का पानी जो है रोडों के ऊपर जमा हो गया था, तो इस बार जो है वो उसी मैप को लेते हुए तो वो तमाम चौकिंग पॉइंट्स जो है उनको क्लियर कर दिया गया था गुज़िश्ता रोज ही। और अब भी जो है वहाँ पे मशीनरी मौजूद है जिसकी अगर एडमिनिस्ट्रेशन का मौके ये है कि जितनी भी मशीनरी वहाँ पे मौजूद है अगर इन केस वहाँ पे कोई चौकिंग जो है अमल में लाई जाती है तो फौरी तौर पे जो है वो क्लियर करके जो है पानी को जो है वो थ्रू लाइन जो है वो समंदर में मुंतकिल किया जाएगा। ठीक है तारिक, ये भी बताइएगा, शहर का दौरा आपने किया होगा आज और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मुतारिक नज़र आ रही है, लेकिन बहुत सी ऐसी बेशतर सड़कें हैं कराची की जो ज़ेर तामीर हैं, उन तामीरात का काम भी रोका गया होगा, लेकिन हिफाजती तदाबीर क्या रखी गई हैं इस वक्त? देखिए बिलाल, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की जानब से अभी कुछ देर कबल जो है वो एक मौके सामने आया, उनकी जानब से एक प्रेस रिलीज का जो है वो इजरा किया गया है जिसके अंदर कहा गया है कि जितने भी मेन होल्स हैं जो सड़कों की तामीर के अंदर जो ढक्कन जो है गटर के ढक्कन हटा दिए गए थे उनको फौरी तौर पर जो है वो बंद किया जाए ताकि किसी भी आवाम के लिए पानी भरने की वजह से आवाम को ये रोड के ऊपर ये पता नहीं चल पाता कि रोड के ऊपर गटर है खड्डे, तो फौरी तौर पर अहकाम जारी किए गए कि जितने भी ढक्कन जो गटर के हटाए गए जितने भी चौकिंग पॉइंट क्लियर करने के लिए रोड के ऊपर कचरा डाला गया था वो तमाम कचरा और तमाम ढक्कन जो है वो फौरी तौर पर लगाए जाए ताकि आवाम को किसी किस्म की जो है वो जानी नुकसान का सामना ना करना पड़े। अगर बसूरत दिगर अगर कोई अफसर इस चीज के अंदर मुलविस नजर आए क्योंकि वाटर बोर्ड की जानब से एससी और एक्सीएन को जो है वो इलाकों का इंचार्ज बनाया गया, अगर उनके इलाकों के अंदर कोई भी कोताही सामने आती है तो फौरी तौर पर एक्शन लिया जाएगा। और ठीक है तारिक, क्विकली ये भी बताइएगा, कल वजीर आला ने भी ये कहा था, कमिश्नर कराची भी मौजूद थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, कराची के अंदर साइन बोर्ड्स भी जो है वो हटा दिए जाएंगे, उतार लिए जाएंगे, कितना परसेंट काम हो सका अब तक? बिलाल मैंने आपको बताया कि गुज़िश्ता तीन रोज कबल जो है वो कमिश्नर कराची की ज़ेरे सदारत एक इजलास हुआ था जिसके अंदर मेन फोकस रखा गया था कि जितने भी बिलबोर्ड्स हैं दुकानों के सामने हो चाहे बड़े बिलबोर्ड्स हो चाहे होर्डिंग्स हो पोल्स के ऊपर लगी हुई उनको फौरी तौर पर रिमूव किया जाए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो फौरी तौर पर जो है वो इश्तिहारी कंपनियां जो है उनको जो है वो नोटिस जारी किया, उनको कहा गया कि जो है वो अगर फौरी तौर पर अमल दरामद नहीं किया गया तो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज हमने ये आज एक चीज हमने देखी कि कमिश्नर कराची जब दौरे पे थे मुराद अली शाह के वजीर आला सिंह के हमरा तो वहाँ पे एक बोर्डिंग नजर आई जिसकी वजह से जो है वजीर आला ने फौरी तौर पर अहकाम जारी किए कि इसको फौरी तौर पर हटाया जाए और जो अफसरान इस चीज के अंदर मुलव्वस हैं जिन्होंने कोताही बरती उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक हमें डिटेल ब्रीफ करने के लिए। तारिक काजमी हमारे साथ मौजूद है, हमारे रिपोर्टर, और शहर भर की सूरत हाल और खासतौर पर जो सूबे के अंदर हिफाजती इकदाम किए गए हैं इस तूफान से बचने के लिए उन तमाम सूरत हाल के हवाले से हमें ब्रीफ किया। लेकिन नाज़रीन, जो समुद्री तूफान है पर जो है वो कराची से अगर बात की जाए तो सिर्फ 380 किलोमीटर जो है वो दूर बताया जा रहा है और लहरें जो है वो 30 फीट तक बुलंद हैं, जबकि ये भी बताया जा रहा है कि पेपर जॉय के अतराफ में 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती जो है वो रिपोर्ट की जा रही हैं। और तूफान के असरात की वजह से शहर के जो बाज़ मुकामात हैं वहाँ पर मिट्टी का तूफान भी आया है, आंधी की जो इस वक्त सिचुएशन है वो भी बिल्ट हुई है, और नाखुशगवार हालात से बचने के लिए उनसे निमटने के लिए पाक फौज के भी जो है वो हिफाजती तौर पर दस्ते तैयार कर लिए गए। हमारे साथ इन्वायरमेंटलिस्ट डॉक्टर आमिर मौजूद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कराची यूनिवर्सिटी के अंदर। डॉक्टर आमिर, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। जानना ये चाहूँगा
चाहूंगा कि कल भी हमने ये डिस्कस किया था साइक्लोन के हवाले से कि ये कराची की तरफ रुख करेगा या नहीं करेगा, लेकिन अब खबरें ये बताई जा रही हैं कि कराची का जो साहिली इलाका है वहाँ से ये अब रुख मोड़ चुका है सिंध के साहिली पट्टी की अगर बात की जाए दुरने सिंध की तरफ, तो वहाँ पर ये जो है वो जाकर तबाही फैला सकता है। ज़रा अब इस वक्त अपडेट्स क्या है, कहाँ कहाँ ये जा सकता है, उसकी रफ्तार कितनी हो सकती है, कितने ये नुकसान कर सकता है? बहुत शुक्रिया बिलाल। जैसा कि कल मैंने आपको आपके प्रोग्राम में ये बात मेंशन की थी कि इसका इसकी जो इंटेंसिटी है वो कराची के कोस्ट की तरफ इतनी ज़्यादा नहीं है, और आज हमने देखा कि ये कराची की तरफ से थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ है, और ख़ासतौर पे जो सिंध का कोस्टल एरिया है जिसमें केटी बंदर का एरिया और शाह बंदर का एरिया जो तकरीबन आप समझ लें कि कराची से 120-150 किलोमीटर के फासले पर है, यहाँ पर ज़्यादा जो है वो इंटेंसिटी देखी जा रही है। और प्रॉब्लम ये है कि आप देखें आज कराची का मौसम भी कुछ इस तरह का हमें इशारा दे रहा था कि बारिशों का भी सिलसिला स्टार्ट हो सकता है, डस्ट स्ट्रॉम भी हैं, तो ये जो साइक्लोन है ये साइक्लोन कराची के साहिली पट्टी को इतना ज़्यादा हिट नहीं करेगा, लेकिन हिफाजती तौर पर जो सिंध का कोस्टल एरिया है जिसमें जो इलाके हैं यहाँ पर हिफाजती इकदाम कर लिए गए और भी एमरजेंसी की सूरत हाल जो है वो बनाई जा चुकी है। ठीक है आमिर, जरा सा इसके ऊपर मैं चाहूँगा कि आप तफसीली गुफ्तगू करें कि ये हम हमेशा क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करते रहे हैं, फिर आपने ये भी प्रेडिक्शंस की थी कि इस साल कराची के अंदर जो कम बारिशें एक्सपेक्टेड हैं, फिर ये साइक्लोन के हवाले से भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। माजी के अगर तूफानों को कंपेयर किया जाए इस तूफान से तो क्या मुवासलत है इसमें? जी बिल्कुल, देखें ये जो साइक्लोन्स का बार बार आना है और कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम बड़े खुश हो जाते हैं कि भाई हमारी साहिली पट्टी को जो है उतना नुकसान नहीं हुआ, बिल्कुल लाइट सा टच करता हुआ वो निकल गया, तो ये हम कहते हैं कि हमारी खुशकिस्मती है। लेकिन अगर आप माजी में देखें तो जैसे साइक्लोन नीलोफर जो है 2007 में इसने हमारे कराची के कोस्ट को हिट किया था, अच्छा खासा इसमें जानी नुकसान हुआ था। फिर 2010 आप देखें, बिल्कुल 3 साल के फौरन बाद एक साइक्लोन फीट ने हमें जो है नुकसान पहुंचाया था। इसी तरह मुख्तलिफ साइक्लोन्स आए, तो ये जो टाइम पीरियड है, ये जो फ्रीक्वेंसी है साइक्लोन्स के बार बार आने की, ये अब शॉर्ट होती चली जा रही है, और ये क्लाइमेट चेंज का एक समझ लें कि एक इशारा है कि हम क्लाइमेट चेंज के हिट जोन में आ चुके हैं। और ये जो टेम्परेचर है, अब देखें अरेबियन सी जो है, क्योंकि अरेबियन सी जो है ये इन ममालिक के साथ है जहाँ पर नॉर्मली टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से ऑलरेडी जो है वो टेम्परेचर में इजाफा हो चुका है। यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना ये चाहूँगा कि एक होता है लैंड सरफेस टेम्परेचर जो हमें फील होता है, जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करते हैं, इसी तरह से एक टेम्परेचर होता है जिसको आप सी सरफेस टेम्परेचर कहते हैं। तो अरेबियन सी जो है इसमें नॉर्मली टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा जो है वो देखा जाता है, क्योंकि सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है उसका भी इफेक्ट इसमें आ रहा होता है। तो ये एक समझ लें कि आप साइक्लोन के लिए एक बहुत जबरदस्त कंडीशन जो है वो क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो सी सरफेस टेम्परेचर है उसमें इजाफा होता है, और साइक्लोन जो है उसमें एनर्जी जो जनरेट होती है वो साइक्लोन को स्ट्रॉन्ग बनाती है, उसकी स्पीड को, उसके डायामीटर को स्ट्रॉन्ग करती है, और जितना ज़्यादा उसमें एनर्जी एड अप होती चली जाती है वो उतना ही ज़्यादा खतरनाक जो है वो साइक्लोन तैयार हो जाता है। ठीक है, अच्छा प्रेडिक्शंस भी आपकी जो है वो बड़ी 100% रही हैं इस बार जो आप हमारे प्रोग्राम के अंदर करते हैं। ये ख़ास तौर पर एक मिथ भी बताई जाती है कि कराची के साहिल पर जो है वो नहीं आता है तूफ़ान, और माजी के अंदर ये एक्सपीरियंस भी किया गया, ऑन रिकॉर्ड भी ये बातें हैं, इसकी वजूहात क्या हैं कि कराची के साहिल तक आते आते तूफ़ान का ज़ोर जो है वो कम हो जाता है या रुख मुड़ जाता है, इस पर भी थोड़ा सा चाहूँगा कि आप कॉमेंट करें। जी बिल्कुल, इसमें मैं कुछ ये कहना चाहूँगा कि बहुत से ओशियनोग्राफर्स जो हैं उनकी स्टडीज़ हमें ये बताती हैं कि जो कराची का जो हमें कोस्टल एरिया नज़र आता है, और यानी कि कराची का जो कोस्टल एरिया है वो थोड़ा सा इंक्लाइंड है, कि आप इसको इंक्लाइंड में आप इसका अगर हम एग्जैक्ट एंगल हम देखें तो कुछ लोगों का कहना है कि 10 डिग्री का इंक्लाइन है, कुछ लोग कहते हैं कि 13 डिग्री का इंक्लाइन है, तो थोड़ा सा इंक्लाइंड होने की वजह से भी हम जो है वो बहुत सारे इस तरह के जो डिसास्टर्स होते हैं उससे बच जाते हैं। लेकिन ये जो इंक्लाइंड है ये जाकर केटी बंदर के एरिया से फिर कम होना शुरू हो जाता है, और यही वजह है कि हम देखते हैं कि शाह बंदर का कोस्टल एरिया जो है वो ज़्यादा अक्सर डिफरेंट टाइप के साइक्लोन्स में मुतासर होता है, क्योंकि वो जो इंक्लाइंड वाला जो हिस्सा है वो वहाँ पे जाके कम हो जाता है। ठीक है, अच्छा आमिर ये भी चाहूँगा कि आप इसके ऊपर भी थोड़ा सा तफसीली गुफ्तगू करें कि जो इस वक्त क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे हैं,
ये डायरेक्टली असरअंदाज हो रहे हैं, तूफान एक के बाद एक, एक के बाद एक जो है वो शिद्दत अख्तियार करते आते जा रहे हैं। फिर बेवक्त जो है मौसम के अंदर तब्दीली भी हम देख रहे हैं, बारिशें कभी ज़्यादा होती हैं, कभी बिल्कुल ही कम हो जाती हैं, कभी टेम्परेचर की जैसे हमने प्रेडिक्शन भी आपके सामने आपने रखी थी कि अब 50 क्रॉस कर सकता है आने वाले सालों के अंदर कराची, इस हवाले से क्या आपके पास आपकी स्टडीज़ हैं, अपडेट्स हैं? देखिए बिलाल, मैं तो ये कहूँगा कि आपके प्रोग्राम से ये गुफ्तगू करते करते हम पिछले कुछ सालों में हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है ये 7वें नंबर से अब 5वें नंबर पे पहुंच गया है क्लाइमेट चेंज की हिट लिस्ट में, और अब इसकी जो डायरेक्शन है वो 4थे नंबर की तरफ जा रही है। तो ये रैंकिंग का जो एक सिलसिला है ये बहुत खतरनाक है, और जहाँ क्लाइमेट चेंज के हमें इतने सारे असरात नज़र आ रहे हैं जिसमें लैंड सरफेस टेम्परेचर है, जिसके लिए मैंने ये प्रिडिक्ट भी कर दिया था कि 50 जो है वो हम क्रॉस करेंगे और फिर हमारी डायरेक्शन 55 की तरफ होगी, खासतौर पे कराची और जो सिंध का एरिया है। तो ये सारी चीज़ें, अब ये सारे इवेंट्स जो हैं वो बहुत जल्दी जल्दी हमें होते हुए नज़र आएंगे। पहले एक लॉन्ग टाइम होता था, एक लॉन्ग फ्रीक्वेंसी होती थी, बहुत टाइम के बाद ड्राउट पीरियड आता था, बहुत टाइम के बाद फ्लड आता था, बहुत टाइम के बाद साइक्लोन्स आते थे, लेकिन अब हमने चीज़ों को इतना डिस्टर्ब कर लिया है कि हम उसको अब ठीक नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते। और ये जो इस तरह के जो डिजास्टर्स हैं ये बहुत कम कम वक्त में बहुत बड़े नुकसान जो है वो हमें पहुंचा कर जाएंगे, और यही एग्जाम्पल्स हमें कभी साइक्लोन्स की शक्ल में नज़र आ रही है, कभी फ्लड की शक्ल में नज़र आ रही है, कभी हाई टेम्परेचर की शक्ल में नज़र आती है, कभी रेनफॉल की शक्ल में नज़र आती है। और आप देखें कि क्लाइमेट चेंज इतना हो गया है कि इस्लामाबाद में जो है वो इस मौसम में बारिशें भी जो है वो अनएक्सपेक्टेड हुई हैं, और इसकी वजह से हमारा मूनसून का जो सिस्टम है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है। अभी जो बारिशें होंगी वो मूनसून बारिशें नहीं होंगी, क्योंकि वो एक साइक्लोन की वजह से जो एक कंडीशन बनी हुई है वो बारिशें होंगी। तो इस चीज़ को मैं क्लियर करना चाहता हूं कि इसको कोई मॉनसून की बारिश ना समझे। अच्छा, जरा बारिशों के हवाले से आपने कमेंट किया तो मैं इस पर भी चाहूंगा कि बात करें कि ये साइक्लोन का रुख तो तब्दील हो चुका है, लेकिन कराची के अंदर आज हमने स्पेसिफिकली नोट किया कि आंधी की जो कैफियत थी वो थी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, और हल्की सी फुहार भी, बूंदाबांदी भी हुई है, बारिशें एक्सपेक्टेड हैं, क्लाउड बर्ड्स की भी बातें की जा रही थी, एक्सपेक्टेशन है ऐसी कुछ? मैं नहीं समझता कि कराची में कुछ इस तरह की भी प्रेडिक्शन दी गई है कि आधे घंटे में 100 मिलीमीटर तक की बारिश भी हो सकती है। ये हो सकती है, लेकिन 100 मिलीमीटर बहुत ज्यादा होता है। मैं नहीं समझता कि इतनी बारिशें होंगी, क्योंकि अब जिस तरह से साइक्लोन का की जो डायरेक्शन है वो डाइवर्ट हो चुकी है, तो मैं नहीं समझता बहुत ज्यादा बारिशें होंगी। कुछ इलाकों में हमें बारिशें नजर आ सकती हैं, कराची में कायदाबाद से जो आगे का एरिया है यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो ये फोरकास्टिंग कर रहे हैं कि इन एरियाज में ज्यादा जो है वो बारिशें हो सकती हैं बाकी कराची के जो इलाके हैं उसके मुकाबले में, लेकिन ठट्टा बदीन की तरफ और शाह बंदर केटी बंदर की साहिली पट्टी पर हमें ज्यादा बारिशें नजर आ रही हैं, और जो कि 15 तारीख तक या कल रात से ये बारिशों का सिलसिला जो है स्टार्ट हो सकता है। ठीक है आमिर, बहुत शुक्रिया इस हवाले से हमें ब्रीफ करने के लिए। डॉक्टर आमिर हमारे साथ मौजूद हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, और कराची को इस वक्त यही बताया जा रहा है, डॉक्टर साहब ने भी ये बताया कि ऐसा कोई ख़तरा लाहक नहीं है, जबकि जो वफाकी वजीर हैं श्री रिमान साहबा उन्होंने भी ये कहा कि कराची को ऐसा कोई ख़तरा लाहक नहीं है, लेकिन बारिशें हो सकती हैं, लेकिन जो सिंध के जो इस वक्त साहिली इलाके हैं वहाँ पर ये कहा गया है, और ख़ास तौर पर कहा कि पाकिस्तान का नाम लेकर कहा उन्होंने कि पाकिस्तान से ज़रूर टकराएगा ये जो तूफ़ान है, लेकिन हिफाजती तदाबीर की अगर बात की जाए तो वो तमाम चीज़ें मलूज़ खातिर रखी गई हैं, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी जो है वो ट्वीट किया है जिसमें ये बताया गया कि समुद्री तूफ़ान के हवाले से वज़ीर आज़म सैयद मुराद अली शाह से राबता हुआ है, और उसमें ये भी कहा कि क़यादत जो आला क़यादत है वो सिंध हुकूमत ने जो इंतजाम किए हैं वो काबिल तारीफ़ है, यानी कि सिंध हुकूमत इस वक्त ऑन बोर्ड है, PDA में भी ऑन बोर्ड है, NDA में भी ऑन बोर्ड है, और अगर पाक फ़ौज की बात की जाए तो उनके जो इस वक्त क्विक रिस्पॉन्स जो दस्ते हैं उनको भी इन्होंने ऑन बोर्ड रखा हुआ है। लेकिन बात कर लेते हैं जलजले के हवाले से भी, जलजले जो है वो रिपोर्ट हुए हैं अर्थक्वेक की अगर बात की जाए वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, क्या इनका कोई कनेक्शन है? एक तरफ ये साइक्लोन की जो है वो खबरें इस वक्त गर्दिश में है और साइक्लोन करीब आता चला जा रहा है, 380 किलोमीटर दूर है कराची से, लेकिन उसका रुख तब्दील हो चुका है। दूसरी तरफ ये जलजले जो है वो रिपोर्ट किए जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर जहांगीर साहब जो है वो मौजूद हैं। डॉक्टर साहब जो हैं वो इस वक्त, डॉक्टर साहब को आवाज़ आ रही है? जी, जियोलॉजिस्ट है हमारे साथ डॉक्टर जहांगीर साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब आपको आज लेने का मकसद ये है कि अर्थक्वेक भी रिपोर्ट हुआ है कराची के पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो है वो शहरों के अंदर, और दूसरी तरफ खबर ये थी कि कराची के साहिल से और सिंध के साहिल से जो है वो ये तूफान जो है बेपर जो है ये भी टकरा सकता है, उसमें भी कुछ चेंजेस आए कि कराची के अंदर खैर वो नहीं टकराएगा लेकिन सिंध को जो है वो हिट कर सकता है, फिर भारत की तरफ जाएगा। सबसे पहले एक आम आदमी के लिए जो समझने के लिए सवाल है आपके
कि क्या इनका कोई कनेक्शन है आपस में? जी बहुत शुक्रिया। अर्थक्वेक जो जलजले हैं और साइक्लोन्स या जो थंडरस्टॉर्म्स अक्कर हो रहे हैं, इन सब का कुदरती आफात के सिलसिले में से ये दोनों जन्म लेते हैं। अब समझने की बात यह है कि अर्थक्वेक पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज में जो आज रिपोर्ट हुआ, उसका रीजन पाकिस्तान का मैदानी इलाका है। ये लाहौर, शेखपुरा और पंजाब के या नॉर्दर्न पंजाब का जो एरियाज हैं, वहाँ पर अर्थक्वेक की लहरों ने जलजले की शिद्दत महसूस हुई है। और अब ये देखना बहुत ज़रूरी है कि इसको लिंक करने के लिए दोनों इवेंट्स का या दोनों एक्टिविटीज़ का, कुदरती आफात का रीजन सेम होना बहुत ज़रूरी है। ये एक बुनियादी नुक्ता है जिसकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि एक ही इलाके में ये दोनों कुदरती आफात अक्कर हो रही हैं या होंगी, तो ऐसा कहना कबलज वक्त है। लेकिन हमें तारीख में दुनिया के बाकी ममालिक का डेटा देखते हुए, कुदरती आफात को स्टडी करते हुए, ऐसी एग्जांपल्स मिलती हैं कि 2009 में चाइना में और ताइवान में पहले टाइफून अक्कर हुए और उसके बाद फिर अर्थक्वेक अक्कर हुआ, और इन दोनों का रीजन सेम था। ऑलमोस्ट अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड भी 6.9 और 6.4 थी। इसी तरह से दुनिया भर का मशहूर जलजला 2010 में जो हेटी में अक्कर हुआ 7 मैग्नीट्यूड का, उसके बाद भी टाइफून और साइक्लोन्स उस रीजन में रिपोर्ट हुए। तो ये बिल्कुल आपने जिस तरफ इशारा किया, ये एक रिसर्च के लिए बहुत बड़ा मैदान है और वसी इसमें हमें एक्सपर्टीज की जरूरत है बहसीत पाकिस्तानी साइंटिस्ट और हमारी डेटा रिकॉर्डिंग एजेंसीज। जिस तरह से पीएमडी दिन रात काम कर रही है कि जलजलों और कुदरती आफात और मौसम की तब्दीलियों के हवाले से हमें डेटा फराहम करती है, तो इन दोनों को दोनों इवेंट्स को यानी कबल अज वक्त हम रिलेट करें या कहें कि जलजले के बाद ये साइक्लोन ने जन्म लिया, तो ऐसा कहना जरा मुनासिब नहीं होगा। लेकिन ऐसी एग्जांपल हमें जरूर दुनिया में मिलती हैं कि उसी सेम रीजन में, साहिली पट्टी में, अगर तूफान की शिद्दत तेजी से वो टकराता है तो फिर जो लैंड मास है या सॉइल की डिग्रेडेशन होने से जमीन के ऊपर वाले हिस्से से, क्योंकि लोड शिफ्ट हो जाएगा, जमीन से मिट्टी की जो तहें हैं वो समंदर की तरफ पानी के साथ बह जाएंगी, तो ओवरलोड के कम होने से लैंडस्लाइडिंग की तवक्को और उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसके बायस सब मेरीन स्लाइडिंग होने के चांसेस हैं और मैग्नीट्यूड 2-3 या इवन 1-2 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक साहिली पट्टी में रिपोर्ट हो सकते हैं। ऐसा ये साइंटिफिक बुनियाद पर कहा जा सकता है। एहतियाती तदाबीर जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे, पीडीएमए का, एनडीएमए का और बाकी सारी वो हिदायात जो आम लोगों के लिए, फिशरमैन के लिए, माहीगीरों के लिए जो शाया की हैं, उन सारी एहतियाती तदाबीर को मद्देनजर रखते हुए आम आवाम में जरूर उसका ख्याल रखना चाहिए। और ये सब कुदरती अवामिल हैं, हम इनसे मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ, एहतियात जरूर कर सकते हैं और वो हमें करनी भी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने जरा इसके हवाले से बात की तो मैं चाहूंगा इस पर भी कमेंट करें, जो व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं वो भी थोड़ा सा मुतमईन हो और उनको कुछ लॉजिक समझ में आए। जरा कराची के हवाले से जो है वो जानना चाह रहा हूं मैं कि मुख्तलिफ औकात के अंदर, माजी के अंदर कई तूफान जो है वह जन्म लिया है, लेकिन कराची से इनका रुख मुड़ जाता है, दूसरी तरफ चले जाता है। ये कराची के हवाले से जरा बताइएगा, इसकी जो है वो जियोग्राफिकल जो इस वक्त कंडीशन है, जो सिचुएशन है, वो क्या है? कराची साहिल से कितना ऊपर है या नीचे है, क्या जो है वो इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं? अच्छा, ये देखिएगा कि जो साइक्लोन जन्म लेता है समंदर में, हमारे अरेबियन सी में, उसकी एक राउंड शेप है या सर्कुलर किस्म की एक सर्कल शेप में वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन साहिली पट्टी कराची के सामने या सिंध के रीजन के फ्रंट में जो साहिली पट्टी है, इसमें बहुत सारे मद्दोजजर हैं और ये एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन की तरह से नहीं है। खास तौर पे जो केप मॉन्स की पहाड़ियां हैं, वहां से एक नोकदार जो चट्टाने मौजूद हैं, तो वो वेस्टर्न साइड से आने वाले किसी भी तूफान के साथ मुकाबला करने में और कराची को प्रोटेक्ट करने में अपना एक कलीदी रोल अदा करती हैं। इसी तरह से जो कराची के साहिली इलाके के ईस्टर्न साइड में, जिस तरह से दादू और ठट्टा और बदीन
के रीजन में है, वहां पर जमीन का कटाव और शिद्दत इन लहरों की इतनी ज्यादा है कि डेल्टाइक रीजन है बेसिकली, तो वहां पर सॉइल की डिग्रेडेशन और जो हमारी खुद आबी हयात है खासतौर पर मैंग्रोव्स हैं उनकी डिप्लीशन की वजह से वहां पर नुकसान होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो कराची के सामने की जो साहिली पट्टी है वहां पर जो मौजूद चट्टाने हैं वो उस पानी की लहरों के साथ मुकाबला करने में, रेजिस्टेंस करने में एक अपना कलीदी किरदार अदा करती हैं, जिसकी वजह से कराची में अक्सर या कराची के साहिली पट्टी महफूज रहती है और वो भंवर या वो सारा जो साइक्लोन का सिस्टम है वो अपनी डायरेक्शन 1 या 2 डिग्री भी अगर ईस्टवर्ड या वेस्टवर्ड मूव करता है तो कराची शहर को नुकसान से महफूज और हिफाजत हो जाती है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके इस तजिए का। डॉक्टर जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जियोलॉजिस्ट हैं और तमाम चीज़ों के ऊपर बात की जा रही थी। अब देखना यह है कि जो समुद्री तूफान बिपरजॉय के हवाले से बात की जा रही थी उसने बहरहाल कराची से अपना रुख मोड़ लिया है, लेकिन सिंध के जो साहिली इलाके हैं ख़ासतौर पर अगर ठट्टा बदीन की सजावल की बात की जाए तो वहाँ पर ये हिट कर सकता है। और कराची के अंदर ये बताया जा रहा है कि अब कम ही जो है वो बारिश एक्सपेक्ट की जा रही है, जो क्लाउड बर्स के बारे में बात की जा रही थी, 100 मिलीमीटर बारिश के बारे में बात की जा रही थी, वो तमाम जो है वो चीज़ें अब रुख मोड़ चुकी हैं। बहरहाल एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद बात करेंगे। हाफिज़ नईम रहमान साहब जो कि अमीर जमात इस्लामी कराची हैं, उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया है पीपल्स पार्टी लोगों को अपने सेफ हाउस में रखे हुए है ताकि वोट उनकी तरफ जा सके। कितनी हकीकत है बात करते हैं ब्रेक के बाद।